ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त है हेडलाइंस का। शाम 4 बजे के आसपास देश लौटेंगे पायलट अभिनंदन बाघा बॉर्डर पर। बीटिंग रिट्रीट में आम लोग नहीं होंगे शामिल। भारत की हवाई मार्ग से भेजने की अपील को पाकिस्तान ने किया खारिज। जाबाज बेटी को बाघा बॉर्डर पर लेने अभिनंदन के माता पिता का फ्लाइट में स्वागत। चेन्नई से दिल्ली की फ्लाइट में बजी तालियां। चेन्नई में पूजा पाठ। ओआईसी की बैठक में सुषमा स्वराज का बयान, आतंकवाद और कट्टरवाद दोनों एक। सुषमा को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाए जाने से नाराज पाकिस्तान ने किया बैठक का बहिष्कार। कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, किसान सम्मान निधि योजना का किया जिक्र, बोले करोड़ों किसानों के खातों में पहली किस्त जमा कर दी गई। और सुप्रीम कोर्ट में आदिवासियों को लेकर नई अर्जी दायर, माइनिंग और अन्य कार्यों के लिए ली गई जमीन वापसी की मांग, कल ही अपने फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है रोक। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभिनंदन की वापसी पर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। Like happened to the POWs in 65 and 71, they had to first go from there. Whenever anybody comes back, like happened to the POWs in 65 and 71, they had to first go for a medical and then be debriefed. And I think the same process will be followed here. राजस्थान में लाखों की संख्या में किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले सकते हैं, लेकिन कुछ उंगलियों पर गिनने लायक किसानों का डेटा देकर के राजस्थान के सरकार इसमें। तो आज ऐतिहासिक दिन है, अभिनंदन की घर वापसी हो रही है, देश वापसी हो रही है और देश पल के बिछाए अभिनंदन का इंतजार कर रहा है। जाहिर तौर पर भारत की भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। एमएम अंसारी साहब हमारे साथ लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं, कश्मीर पर केंद्र सरकार के पूर्व वार्ताकार रहे हैं। एमएम अंसारी साहब, इमरान कह रहे थे कि पीस जेस्चर पीस के तौर पर अभिनंदन को हम वापस भेज रहे हैं, क्या ये पीस ऑफ जेस्चर है या जेस्चर ऑफ प्रेशर है? ये आप पीस ऑफ जेस्चर आप माने या मजबूरी या प्रेशर माने, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि ये जो कुछ भी हुआ वो अच्छा हुआ। अब इसको ये कहना कि ये जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको रिहा करना ही था, मैं नहीं समझता कि ये बड़ी मुनासिब बात होगी। यहाँ पे अगर जो कुछ क्रेडिट इमरान खान को मिलना चाहिए वो हमें देना चाहिए, इसलिए कि जिनेवा कन्वेंशन के तहत कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरे दिन वो इसको रिहा करते, बल्कि इसमें सालों भी लग जाता है प्रोसीजर। दूसरी बात ये कि जिनेवा कन्वेंशन जो है प्रिजनर ऑफ वॉर पे माना जाता है, लेकिन अभी ये साफ क्लियर नहीं है कि हमारे अभिनंदन पे इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर का वो डिफिनेशन नहीं लगाया है, तो जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी रिहा हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है ये उसी का पार्ट है, इसलिए कि पिछले कई सालों से भारत कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, पाकिस्तान को जो टेररिज्म के मामले में जो उनका रोल रहा है उसको एक्सपोज किया जाए। और ये मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बात वाज़े हो चुकी है कि जो भी इंडिया में अब तक कुछ हुए हैं पिछले कई सालों से या दशक में, वो पाकिस्तान से ही स्पॉन्सर्ड हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी दुनिया समझती है। हाँ, ये है कि पाकिस्तान ने भी भले ही चाहे खुले तौर से न माना हो कि उनके यहाँ से इस तरह की चीज़ें होती है, वो ये कहते रहे बार बार कि टेररिज्म के वो भी शिकार हैं, टेररिज्म के भारत भी शिकार हैं, लेकिन वो अगर शिकार हैं तो उनकी वजह कुछ और हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ जो टेररिज्म है वो जाहिर है कि वो उनकी तरफ से ये उनको शय मिलती है, उनको सपोर्ट मिलती है। लेकिन अब जो चेंजेस आए हैं वो ये कि जहाँ कहीं भी पकड़े जा रहे हैं, चाहे वो अभी पुलवामा में हुआ या उससे पहले वानी का जो हादसा हुआ, उसमें जाहिर है कि ये हमारे कश्मीर के ही नौजवान इसमें शामिल थे, जिसको कहा जाता है, कहा जा रहा है कि ये तमाम इंटरनल अपराइजिंग है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक बात और भी पाकिस्तान में कहने लगे हैं और वहाँ की मीडिया से साफ जाहिर होने लगा है कि ये क्या बात है कि हिंदुस्तान में तमाम कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान के साथ
वो उनका इंटीग्रेशन हुआ और वो अपनी मर्जी से हिंदुस्तान के साथ जुड़े, वो पाकिस्तान के साथ नहीं गए। और 40 सालों के बाद क्या ऐसा हो रहा है कि 40 लाख जो है यूथ जो है वो सड़कों पे आ रहा है। तो यहाँ ये बात जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के और कश्मीर की जो गवर्नमेंट है उनकी गवर्नेंस के ऊपर ये जरूर रिफ्लेक्ट होगा। और मैं अंसारी साहब, आप ये कहते हैं कि कश्मीर को लेकर जो इस वक्त पॉलिसी अपनाई जा रही है सरकार की तरफ से, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है कि आखिरकार वहाँ के लोकलाइट ही सुसाइड बॉम्बर क्यों बन रहे हैं। ये नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये ज़रूरत तो है कि वो आखिर हमारे लोग हैं और उनमें अगर नाराज़गी किसी बात से है तो आखिर क्यों है, हमें उनसे बात तो करनी ही होगी। लेकिन जब पिछली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ कि पीडीपी और बीजेपी का जो अलायंस गवर्नमेंट थी, बीजेपी ने उनको डिसओन कर लिया, वो ऑल ऑफ सडन जो है वो गवर्नमेंट तोड़ दी, तो जाहिर है कि नाराज़गी एक और बढ़ गई कि एक तरफ कहाँ हम जुड़ाव की कोशिश करते हैं ताकि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस अच्छे हों, ताकि वहाँ की गवर्नेंस बेहतर हो, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको डंप कर देती है तो वहाँ पे गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर इसके साथ साथ हुआ ये कि पुलवामा में जो वाकया हुआ वो जाहिर है कि वो वहाँ पे हुआ, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें पूरे भारत में बहुत सारे जो स्टूडेंट पढ़ते थे या जो ट्रेडर्स थे उनके साथ जो हादसा पेश आए, तो उससे एक और नज़र आया कि एक अचानक जो पुलवामा में हुआ वो एक बैकलाश यहाँ शुरू हुआ। और आपने वो भी सुना होगा कि मेघालय के गवर्नर ने कुछ इस तरह के बयान दिए जिसमें ये कहा कि कश्मीरी जो उनके ट्रेडर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनका कोई सामान न खरीदिए। लेकिन आप ये देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हर तरह की उनको इकोनॉमिक सपोर्ट देती है और वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए टेक्सटाइल में एप्पल ग्रोअर्स के लिए और सफरन ग्रोअर्स के लिए और वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी के काम के लिए और तमाम तरह के बिजनेस के लिए बढ़ावा देती है। पाकिस्तान के अंदर बैठे हैं वो आखिरकार वहाँ युवाओं का बैठे हुए कश्मीर के अंदर कैसे ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये भी अपने आप में सोचने की जरूरत है। जाहिर तौर पर पाकिस्तान की शय के बिना ये सब कुछ मुमकिन नहीं हो सकता है। मैं आपसे आऊंगी और ये भी समझूंगी कि कूटनीतिक फ्रंट पर क्या लगातार इस वक्त भारत आगे दिख रहा है और जो पाकिस्तान है अलग थलग दिख रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बाघा बॉर्डर पर स्थानीय लोगों ने भी विंग कमांडर अभिनंदन के स्वागत की जोरदार तैयारी कर रखी है। बहुत खुशी हो रही है हमें, हमारा हीरो जो अभिनंदन सर हैं वो हमारे गांव के पास से जो पहला हमारा जो पाकिस्तान का जो पहला बॉर्डर खुला हुआ इससे आ रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। वो हमारे हीरो हैं, सुबह 4:30 बजे उनका वेट कर रहे हैं, हमें अगर मौका मिला तो उससे मिलेंगे सर। उन्होंने हमारा देश का नाम ऊंचा किया है, बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं सर। सुबह के आए हुए हैं 7-8 बजे के, अपने हम लोकल रहने वाले, अपने कल्चर से उनको लेके जाएंगे। हमारे देश की रक्षा के लिए वो गए हुए हैं पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान भी घुटने टेक चुका है, जो 24 घंटे में हमारा आदमी वापस कर रहा है। आज वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान अटारी बाघा बॉर्डर से होते हुए भारत लौटेंगे। पूरे देश में विंग कमांडर की वापसी को लेकर खुशी का माहौल है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी विंग कमांडर की वापसी को लेकर खुशी जताई जा रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता पीएल पुनिया ने जहां विंग कमांडर की वापसी पर खुशी जताई, तो वहीं बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पाकिस्तान को अजहर मसूद को भारत को सौंप देना चाहिए। पूरे देश से आवाज उठ रही थी कि विंग कमांडर अभिनंदन को हर हालत में वापस किया जाना चाहिए, अन्यथा जो भी कार्रवाई हो वो हो। और हमें प्रसन्नता है विंग कमांडर अभिनंदन जल्दी ही हिंदुस्तान में आएंगे, सकुशल आएंगे। दे शुड रिलीज वट एवर एक्सक्यूज दे वॉन्ट गिव, दे कैन गिव, वी डोंट माइंड टू सेव देयर फेस। इट वॉज रॉन्ग for them to have brutalized him and picked him up, but it's totally against the international law, and therefore that he's doing it is good, but we are happy about it, but at the same time the cancer is in Azhar, and they have to hand him over to us. जाहिर तौर पर खुशी का आज दिन है और इस खुशी के मौके पर आरजेडी के प्रवक्ता मनोज झा क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। मैं समझता हूँ कि कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जहाँ अभिनंदन के लिए प्रार्थनाएं नहीं हो रहा, लेकिन हमें इस बात को भी सोचना होगा, उन प्रार्थनाओं का असर है। और जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये लिया है ये एक अच्छा जेस्चर है, लेकिन इसके साथ साथ अब उन्हें जो आतंकी प्रयोगशालाएं हैं उनको भी ध्वस्त करने के काम में लगना होगा, क्योंकि साउथ एशिया में वो एक ऐसी विकट समस्या है जिससे हमें गाहे बगाहे चोट पहुंचती है, हमारे जवान शहीद होते हैं।
वीर सपूत अभिनंदन देश वापसी आज कर रहे हैं बाघा बॉर्डर पर। चार्ज के बाद बताया जा रहा है कि 6 बजे के बीच में कभी भी वो पहुंच सकते हैं। इंतजार की जो लम्हे हैं वो जाहिर तौर पर अब और भी ज़्यादा बड़े लग रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे नज़दीक वक्त आता है तो वो कटता नहीं है। कुछ ऐसा ही इंतजार बाघा बॉर्डर पर भी देखने को मिल रहा है। MM अंसारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीटिंग द रिट्रीट आज जो सेरेमनी हो रही है उसमें अब जो आम लोग इकट्ठा सुबह से हो रहे थे वो नहीं पहुँच पाएंगे, जाहिर तौर पर उनके लिए निराशा का जरूर कहीं ना कहीं महसूस हो रही होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या इसके पीछे भी कोई कूटनीतिक ये कदम है या फिर सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाया गया होगा? मैं समझता हूँ कि लॉजिस्टिक्स को देखते हुए वहाँ की, इसलिए कि जब अभिनंदन वहाँ आएंगे तो काफ़ी फोर्सेस के लोग या और भी बहुत से लोग उनको रिसीव करने आएंगे, उसमें एक आम पब्लिक भी होगी, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे एक ये बड़ा लॉजिस्टिकल डिसीजन दिया होगा कि आज आम पब्लिक को वहाँ ना आने दें, इसलिए कि फोर्सेस के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी फैमिलीज़ के लोग वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक लॉजिस्टिकल डिसीजन है, इसको किसी और तरह से नहीं देखना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार है और हमने एक शांति के दूत के तौर पर हमने ये कदम उठाया है, तो क्या उसको भी पीछे करने के लिए कदम हो सकता है कूटनीतिक तौर पर? मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त ये वो फोकस ना मिले, वो मीडिया चांद ना मिले। इस वक्त जो है ये एक भारत को डिप्लोमेटिक जो है बड़े पैमाने पे सक्सेस मिली है, और उसमें ये कि जब ही जो ही पता चला है कि अभिनंदन को वहाँ पे उनके गिरफ्त में है, इंडिया ने डिमांड की, कहा कि उसको जल्दी से जल्दी जिनेवा कन्वेंशन के तहत उनको रिहा किया जाए, जो पाकिस्तान ने मान लिया। दूसरी बात ये कि OIC में सुषमा स्वराज को पहली दफ़ा इन्वाइट किया गया कि आप अपने व्यू पॉइंट्स को आप वहाँ पे रखिए, और ये बात सही है कि UAE और सऊदी अरब ने जिसमें इसमें मुदाखलत की है, जिसमें इसमें रिहा करने में और ये जो डे एस्केलेशन में, तो मैं समझता हूँ कि ये कूटनीति की जो आप बात कर रही हैं उसमें भारत को सक्सेस मिली है और इसको हमें और बढ़ाना चाहिए, और अगर बातचीत के लिए भी पाकिस्तान तैयार है तो बातचीत को लेकर के हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस बात पर एग्री कर जाएँ और बात करें कि दोनों मुल्क जो हैं मिल करके वो ये देखें कि उनकी जो आतंकवादी प्रयोगशालाएँ कहाँ कहाँ पे हैं, उनको जा कर के आइडेंटिफाई करें और उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करें। ये इसलिए भी ज़रूरी है, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान भी इस तरह के आतंकी हमलों से वो जूझता रहा है, उसको भी बहुत बड़ा नुकसान होता रहा है, और मैं समझता हूँ इस वक्त जो भारत की जो गुडविल बनी हुई है और देशों के साथ, इन सब का फ़ायदा उठाते हुए इसके ऊपर जो है कदम उठाना चाहिए और बातचीत के जरिए इस बात को सुलझाना चाहिए। MM अंसारी साहब, 2 दिन बाद पाकिस्तान से भारत लौट रहे हैं अभिनंदन, और जिस तरह से जश्न का माहौल लगातार बाघा बॉर्डर पर बना हुआ है, लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हुए हैं, तिरंगा लेकर पहुंचे हुए हैं, भारत माता की जय, जय हिंद के नारे लगा रहे हैं, अब प्रोसीजर क्या होता है, कितना वक्त उसमें लगता है, क्या कुछ कागजातों का भी आदान प्रदान होता है दोनों तरफ से? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ कि वो फॉर्मेलिटीज़ तो अब तक पूरी कर ली गई होंगी। जब ये अनाउंस हुआ तो उसमें एक कंसर्न जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसको रिक्वेस्ट की जाती है, और वो दोनों कंट्रीज़ से वो रابطہ कायम करके वो कांटेक्ट करके उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी कर ली जाती हैं और वो हैंडओवर कर देते हैं, तो उसका एक बॉर्डर पे कोई किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती? मैं समझता हूँ कि नहीं, वो तो हमारी पाकिस्तान में जो एम्बेसी है उनके कांटेक्ट में आकर के और वहीं पर उन्होंने पूरा कर लिया होगा, और ये वहाँ से वाघा बॉर्डर पर ले आएंगे और यहाँ से वो हैंडओवर हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि हमारी इसमें एम्बेसी वहाँ की पूरी इन्वॉल्व होती है और वहाँ की गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और एक इंटरनेशनल एजेंसी जो इस काम में मदद करती है ये तमाम चीज़ों के साथ, तो वो वेल लेड डाउन प्रोसीजर है, उसको फॉलो करते हुए ये प्रोसीजर पूरा होता है। इस्लामाबाद से लाहौर के लिए निकले हैं, लाहौर से बाघा बॉर्डर सड़क मार्ग से आएंगे और यहाँ पर जो भारतीय अधिकारी रिसीव करेंगे, भारतीय अधिकारी में कौन मुख्य होता है, कौन रिसीव करता है? अब ये तो मैं समझता हूँ कि उनके पेरेंट्स होंगे, और दूसरी ये कि एयरफोर्स के जो अधिकारी होंगे वो होंगे, और मैं नहीं समझता कि वहाँ कोई और बड़ी अथॉरिटी वहाँ जा रही है, इसलिए कि उसके बारे में कोई डिक्लेरेशन नहीं है जी। लेकिन इन सब के बीच में जो भारतीय उच्चायुक्त वहाँ पर है, तो वहाँ के अधिकारी क्या अभी मौजूद होंगे अभिनंदन के साथ? नहीं, बिल्कुल होंगे, बिल्कुल बिल्कुल होंगे, वहाँ के होंगे, पाकिस्तान के होंगे, और यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे ये जो एयरफोर्स की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको नॉमिनेट किया होगा कि वो कौन वहाँ पे रिसीव करेंगे, और अलावा उसके कि उनके फैमिली मेम्बर्स तो होंगे और उनके इतने सारे प्रशंसक हैं वहाँ पे जो उनको रिसीव करेंगे।
अभिनंदन के बारे में आप दो दिन से हर कोई पढ़ रहा है, इतना तो जान गया है कि जिस तरह से उन्होंने एक शौर्य दिखाया, पराक्रम दिखाया, F-16 जो कि वहाँ का सबसे बड़ा लड़ाकू विमान पाकिस्तान का माना जाता है, उसको ख़त्म करके वो, हालांकि पैराशूट के जरिए जब उन्हें महसूस हुआ कि वो भारतीय सीमा में नहीं है, तो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया और पूछा कि क्या मैं भारत में हूँ, तो किसी ने वहाँ जो लोकल था उसने कहा कि मैं, हाँ ये भारत है, और जैसे उन्होंने जय हिंद का नारा लगाया तो वहाँ से कोई रिएक्शन नहीं आया, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना था कि वो समझ गए कि यानी कि मैं भारतीय सीमा पर नहीं हूँ, और इसीलिए उन्होंने वो जो डॉक्यूमेंट्स थे वो खुद निगल लिए थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, वो पाकिस्तान के अगर हाथ लगते तो शायद वो गलत भी होता, वो तालाब में जाके कूद जाते हैं, तो ये जो चीज़ें हैं क्या इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है या ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है? ये तो देखिए, जो इन फोर्सेज में होते हैं वो सिर्फ उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं, उनकी ट्रेनिंग भी होती है, और ऐसे सिचुएशन में जब उनको मालूम है कि हम एनिमी बाउंड्री में आ गए हैं तो उनको क्या करना है, और उनको अपनी जान भी बचानी होती है और उससे ज़्यादा जो है अपने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी ट्रेनिंग है, ये उनका लगन है, ये उनका अपना कमिटमेंट है अपने देश के लिए कि जो सब कुछ उनसे कराता है, और उसी कमिटमेंट के लिए और देश की सेवा के लिए आज पूरा जो देश है उनको सलाम कर रहा है, उनकी एक झलक पाने के लिए बाघा बॉर्डर पे तमाम लोग मौजूद हैं, हम भी अभिनंदन का इंतजार कर रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस एयरटेल पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 365। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गाँव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्पिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। तो अभिनंदन कुछ ही देर में पहुंच सकते हैं बाघा बॉर्डर, 4 बजे के बाद बताया जा रहा है कि 6 बजे के बीच में अभिनंदन पहुंचेंगे बाघा बॉर्डर और यहां से वो सीधे अमृतसर एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। ये तो रही रूट की बात, इंतज़ार लेकिन अभिनंदन के अभिनंदन का हो रहा है और हर कोई उनकी वीर गाथा को सुनकर एक झलक देखना चाहता है। इन सब के बीच में जिस तरह से OIC में आज सुषमा स्वराज ने कॉन्फिडेंटली आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, ऐसे में सवाल ये है कि सुषमा स्वराज की मौजूदगी OIC में और पाकिस्तान की वहाँ पर शिरकत ना करना कितनी बड़ी भारत के लिए कूटनीतिक जीत है। MM अंसारी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि कश्मीर पर केंद्र सरकार के पूर्व वार्ताकार रहे हैं। MM अंसारी साहब, जरा हमें समझाइए कूटनीतिक फ्रंट पर क्या पाकिस्तान इस वक्त अलग थलग बैकफुट पर जाता दिख रहा है, जिस तरह से कल कहा गया था कि देखिए वहाँ के पाक विदेश मंत्री की तरफ से कि हम अभिनंदन को तो रिहा कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करें इमरान खान से फोन पर, तो हमने सीधे सीधे ये कह दिया कि नहीं, हमें कोई शर्त मंजूर नहीं है, सकुशल अभिनंदन को छोड़ा जाए। देखिए अब ये कहाँ तक सक्सेस है या इंडिया की कूटनीति की कामयाबी है, नाकामी है, अभी तो ये 2 दिन के बाद इसकी इवेल्युएशन होगी, लेकिन ये सही है कि भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन को रिहा करें, उन्होंने कर दिया, अच्छी बात हुई, और OIC में जा कर के हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर ने एक अपनी बात को रखी, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बातें हुई हैं, लेकिन वहाँ पे OIC में कुछ ऐसे ज़रूर मेंबर होंगे
जो सुषमा जी से भी सवाल करेंगे कि आखिर आपके यहाँ जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है, जो आप सबका साथ सबका विकास का जो आपका प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक चला, माइनॉरिटीज का पार्टिसिपेशन कहाँ तक गया। फिर इसके साथ साथ एक आध साल पहले यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे रिपोर्ट आई थी जो कश्मीर के बारे में, जो इंडिया ने फौरन ही रिजेक्ट कर दिया था और उसको OIC ने और UN ने उसको एक्सेप्ट किया, इसलिए कि उसमें जो एविडेंसेस दिए गए थे वो असेंबली में, पार्लियामेंट में और हमारी जो क्रेडिबल जो प्रिंट मीडिया है उसने प्रेजेंट किया था, उसकी बेसिस पे एनालिसिस थी। तो मैं समझता हूँ कि वो भी सवाल उठेंगे जो मैं समझता हूँ कि एक दो दिन बाद मीडिया के सामने आएंगे। तो इसमें दोनों देशों की जो कमियां हैं या जो अच्छाइयां हैं, अगर मैं आतंकवाद को लेकर करूं तो आतंकवाद के खिलाफ लगातार जो फ्रंट फुट पर इस वक्त भारत लड़ाई करता हुआ दिख रहा है। और आज सुषमा स्वराज ने जिस तरीके से आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि किसी एक देश धर्म से लड़ाई नहीं है, और ये आतंकवाद तो देखिए जिस तरह से बढ़ रहा है ये एक चिंता का विषय है, और जो इसको पना दे रहा है उस देश को रोकने की जरूरत है। जाहिर तौर पर इशारा पाकिस्तान के लिए था। तो OIC का इसमें क्या रिएक्शन आगे हो सकता है, क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर OIC भी अब साथ में जुड़ेगा और पाकिस्तान पर एक प्रेशर बिल्डअप होगा? देखिए दोनों बातें हैं, इसलिए कि ये भी देखा जा रहा है कि आखिर ये जो टेररिज्म है, जो ये आतंकवाद है, इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो एक तो दिखाई दे रहा है कि ठीक है पाकिस्तान इसको शह देता है, लेकिन पाकिस्तान आखिर क्यों कर रहा है ये? तो वहाँ पाकिस्तान ये कहता है कि कश्मीर जो है एक डिस्प्यूटेड टेरिटोरी है और हमारे जो बॉर्डर्स हैं अभी डिफाइंड नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। आपने देखा है कि इंडिया पाकिस्तान का एक तो बॉर्डर्स इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाता है, दूसरा LOC है, LOC के ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है और ये मामला आज भी ये डिस्प्यूटेड माना जाता है। तो ये दोनों मुल्कों को ये सुलझाना है, और इसमें जो शामिल हैं वो जाहिर है कि ये तमाम कश्मीरी शामिल हैं और कश्मीरियों को मदद की जाती है पाकिस्तान की तरफ से। तो जब हम ये टेररिज्म की बात करते हैं तो उसके साथ जुड़ी हुई जो है वो कश्मीर डिस्प्यूट आप चाहें या ना चाहें वो निकल करके आ जाती है। तो ये दोनों को एक साथ लेना होगा, और मैं समझता हूँ कि OIC में कहीं ना कहीं इस बात पे ज़रूर बात होगी, इसलिए कि OIC हमेशा से इस कश्मीर मुद्दे को रेज करता रहा है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात करता रहा है और वो इंटरनेशनल लेवल पे उसको रेज कर रहा है। तो जब सुषमा जी जब वापस आएंगी तो ये समझ में आएगा कि आखिर उनको उस मीटिंग में कहीं ना कहीं इसके ऊपर रेफरेंस ज़रूर होंगे कि ठीक है पाकिस्तान टेररिज्म को ख़त्म करे, वो जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सपोर्ट न करे, बल्कि वो जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको इंडिया को भी हैंड ओवर करे। ये तो हो सकता है ये कहें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि ये कश्मीर का मुद्दा जो है वो पिछले 70 सालों से जो एक उलझा हुआ है और जिसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन है और हमारे इंडिया और पाकिस्तान का 72 का जो वो है एग्रीमेंट है। और इसके साथ मैं बताना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स जो हैं वो दोनों तरफ बैठे हुए हैं और वो LOC की सैंक्टिटी को वाच कर रहे हैं, तो ताकि ये वायलेशन ना हो। आपने देखा होगा कि जब भी ये एरियल स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान ने भी कहा, इंडिया ने भी कहा कि हमारे LOC का वायलेशन हुआ है। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह से लड़ाई में आज कई देश हमारे साथ खड़े हैं, मसूद अजहर के खिलाफ बैन लगाने को लेकर जो प्रस्ताव UN में दिया गया है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस की तरफ से, क्या ऐसे में आज OIC की बैठक में ना जाकर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली एक बहुत बड़ी भूल नहीं करती है? मैं समझता हूँ ये टैक्टिकल भी हो सकता है, इसलिए टैक्टिकल हो सकता है इसलिए कि जहाँ कहीं भी इंडिया और पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहाँ तू मैं शुरू हो जाता है, इसलिए कि वो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं। ये अलग बात है कि हम टेररिज्म को हाईलाइट करते हैं और वो कश्मीर के, तो फिर ये क्या डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे कि आप कहते हैं कि चलिए बातचीत के लिए हम तैयार हैं, पीस टॉक ऑफर कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप सुषमा स्वराज के आने पर ही आपत्ति जताते हैं और ऐसा आने पर आपत्ति जताते हैं कि आप खुद बैठक में ही नहीं पहुँचते हैं, बहिष्कार कर देते हैं? हाँ नहीं, ये तो देखिए बहुत जगह ये डबल स्टैंडर्ड्स तो हैं ही, और मैं समझता हूँ कि इसको OIC किस तरह से लेती है, और बल्कि मैंने तो ये भी मीडिया के ज़रिए मुझे पता चला कि पाकिस्तान ने कोशिश ये भी की कि भारत को उसमें इनवाइट ना किया जाए, ना किया जाए, लेकिन इसके बावजूद चेतावनी दी थी पहले, चेतावनी दी, लेकिन इसके बाद भी OIC ने ऐसा कदम लिया और बुलाया। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हार भी नहीं है पाकिस्तान के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि OIC हमारे साथ है, और अगर OIC हमारे साथ है तो हमें ये टेररिज्म के ऊपर जो पाकिस्तान के ऊपर जो मुनासिब दबाव डालना है वो हम डाल सकेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि हमारी डिप्लोमेटिक जीत तो है ही यहाँ।
और किस तरह से, चूंकि मसूद अजहर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यूएन में प्रस्ताव दे दिया गया है लेकिन चीन हर बार वीटो लगाकर ऐसा करने से रोक देता है, इस बार आप चीन की भूमिका क्या देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में जब सुषमा स्वराज पहुंची थी चीन तो चीन की तरफ से न्यूट्रल बयान ही आया था और कहा गया था कि दोनों देश संयम बरते हैं, तो इसे हम किस तरह से देखें? ये तो हम देख रहे हैं कि चीन का और पाकिस्तान का इस वक्त इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब ये मिलिट्री जो एस्केलेशन हुआ तो उसमें चीन ने भी इस तरह की बात शायद की कि वो साथ नहीं दे पाएगा, इसलिए कि चाइना के इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के साथ कहीं पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत हैं, तो वो चाइना जो है इसमें वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, बल्कि उसने बहुत साफ कर दिया, बल्कि चाइना का भी इसमें ज़रूर रोल रहा है कि ये जो एस्केलेशन है ये जो मिलिट्री जो एक्शन है इसको कहीं ना कहीं इसको दबाया जाए। अब यूएन में मसूद अजहर के बारे में क्या फैसला होता है, क्या चाइना इसको दोबारा वीटो करेगा या ये एजेंडे पे आता है, अभी उसके बारे में कुछ कहना जो है मुनासिब नहीं है, इट इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट। हाँ, लेकिन ये सही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, मैं समझता हूँ कि दोनों देशों के ऊपर एक मुनासिब दबाव डाला कि वार इज़ नॉट द ऑप्शन और वार से कोई भी मसले हल नहीं होंगे, अगर होंगे तो सिर्फ बातचीत से, और बातचीत करना चाहिए, और इसमें कुछ कंट्रीज़ ने तो मीडिएशन के लिए भी अपने आप को ऑफर किया, बल्कि यूनाइटेड नेशन ने तो कहा कि वो मीडिएट करने को तैयार हैं, लेकिन भारत जो है मीडिएशन के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानते हैं कि चीजें डीएस्केलेट होती हुई दिख रही है, लेकिन इस सब के बीच में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई भारत की बंद नहीं हो जाती है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, जैश ए मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, तो भारत क्या उस पर चुप बैठ जाएगा? भारत ऐसा पहले ही संदेश दे चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई उसकी जारी रहेगी, और एयर स्ट्राइक अगर आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान नहीं करता है तो हम जाके लड़ाई करेंगे। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए एम एम अंसारी साहब। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।